जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा। विहंगम योग का ज्ञान अनंत है, सेवा सत्संग और साधना ही आध्यात्मिक जीवन है, या हम कहें भारतीय जीवन है। सेवा का अर्थ है अहंकार शून्यता, सेवा का अर्थ है अपने कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति जागरूकता। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियाँ हमारी सेवा में लगी हैं, ये सूर्य देव हमारे लिए ही तो निरंतर गति करते जा रहे हैं, चंद्रमा अपने कार्य में थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते, पृथ्वी अपनी कक्षा में ही घूमती जा रही है, संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन किसने घोल दिया। ईश्वर की अनंत शक्तियां, ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारे लिए कर्मशील हैं, निरंतर हमारी सेवा में ही हैं, जिनके कारण हमारा जीवन सृष्टि में गतिमान है। वही हमारे प्राणों का प्राण है, वही हमारे श्वासों का श्वास है, वही हमारी आत्मा के अंदर बल प्रदान करने वाला है। दृश्य का वही अदृश्य आधार है, जड़ का वही चेतन आधार है, समस्त पदार्थ कार्य करते जा रहे हैं। ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में ही तो है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। नदी को अपने लक्ष्य में जाना है, उसे सागर में समाना है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। तो जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में है, उसी तरह से हम सब का जीवन भी सेवा भाव में आगे बढ़ता रहे। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले। यही सेवा है। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म पूर्वक कष्ट न मिले। इन प्यारे छात्रों छात्राओं के लिए सभी ताली बजाएं। आज इन्होंने प्रथम भूमि की साधना का अभ्यास किया है और ये
विधिवत अब साधना का अभ्यास करेंगे। इस साधना के अभ्यास से मानसिक शक्तियों का विकास होगा, मनोबल बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, विषय जल्दी कंठस्थ होंगे और इनकी आंतरिक शक्तियां विकसित होंगी। एक बार पुनः इन छात्रों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करते हैं। सेवा सत्संग और साधना ही तो हमारा आधार है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में है, सेवा का अर्थ है हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अन्याय पूर्वक कष्ट ना मिले, हमारे कारण किसी को भी अनावश्यक रूप से पीड़ा ना पहुंचे, धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक दंड का विधान है, अन्याय पूर्वक नहीं, अज्ञान पूर्वक नहीं, जड़ता पूर्वक नहीं, अविवेक युक्त होकर नहीं। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, पीड़ा न पहुंचे, हमारे महापुरुष कहते हैं न मन से मिले न वचन से मिले और न कर्म से मिले, तीनों में से किसी से न मिले। कितनी श्रेष्ठ स्थिति का वर्णन हमारे महापुरुष करते हैं। ऐसा ना हो कि मन में कुछ हो, वाणी कुछ बोल रही हो और क्रिया उससे भिन्न हो, मन पवित्रता के पथ पर है। मन जब नियंत्रित है, या यूं कहें जब मन आत्मा के अनुकूल है, जब हमारा मन आत्मा के अनुकूल होता है तब हमारा जो कर्म है, मैं प्रायः कहता हूँ वो कर्म नहीं, अरे वो तो धर्म बन जाता है, वो तो धर्म बन जाता है। न मन से मिले कष्ट किसको, न वाणी से मिले और न क्रिया से मिले। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्। हमारे मन में कितनी तरंगे हैं, विचारों की कितनी तरंगे हैं, जैसे समुद्र में कितनी तरंगे हैं, समुद्र के ऊपरी तल पर, समुद्र के बाह्य धरातल पर तरंगे तरंगित होती जा रही हैं। और साहब कहते हैं सात समुद्र की लहर मन की एक लहर के सामने कुछ भी अस्तित्व नहीं रखती। सात समुद्र की लहर मन की लहर है, एक कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक। मन में इतनी गति है और नाव बीच मझधार में ही डूबेगी, ऐसा थोड़ी है कि बीच मझधार में ही नाव डूब जाएगी भंवर में, ऐसा नहीं है। हर बार ऐसा नहीं होता कि बीच मझधार में ही डूबती हो नाव,
वो किनारे पहुंचते पहुंचते भी डूब जाती है बहुत बार। मन में इतना भटकाव है, इतना अंधेरा है, अनंत अनंत जन्मों के संस्कार दबे भरे पड़े हैं। लक्ष्य नजदीक होने पर भी मन का ऐसा खेल है, लक्ष्य बिल्कुल निकट हो और ऐसा कुचक्र मन रच देता है, ऐसे संस्कार प्रज्वलित हो जाते हैं कि जो लक्ष्य निकट है वह दूर भी हो जाता है। तो जैसे समुद्र के ऊपरी भाग में ये तरंगे तो तरंगी तो होती जा रही हैं, मन में वैसे ही विचारों का प्रवाह है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों का कितना प्रवाह है, कब कैसे विचार आए, किस समय विचारों की क्या स्थिति बनी, हम कौन सा कार्य कर रहे थे और हमारे विचार हमें कहाँ उड़ा के ले गए। हमारे मन बुद्धि विचारों की स्थिति क्या है, हम जानते हैं अपने मन की स्थिति, हम अच्छी तरह जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा मन किस स्थिति में है, हमारी बुद्धि की क्या स्थिति है, हमारे अंतःकरण की क्या स्थिति है, हम सब जानते हैं। और अनुभव करते हैं इसका कि मन कितना चंचल है, हठी है, दुराग्रही है। युद्ध के मैदान में अर्जुन कहता है कि प्रभु हठी है दुराग्रही है, ये तो मन को स्थिर करना वैसा ही हुआ जैसे मानो किसी ने वायु को रोक रखा हो। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। केवल दुष्कर नहीं है, ये अत्यंत कठिन है। योगी राज कहते हैं कठिन तो है प्यारे अर्जुन, असंशयम, कोई संशय नहीं है, बिल्कुल सही कहा, असंशय, कोई संशय नहीं। महाबाहो असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। असंशय ही निश्चय ही ये मन हठी है, दुराग्रही है। आदि अनादि काल से आत्मा इस संसार सागर में है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधन का कारण है ये। लेकिन केवल बंधन का ही कारण है क्या, केवल दुख का ही कारण है क्या? कितने बंधनों से जकड़ लिया है हमने, कितनी रस्सियों से बांधा है खुद को। कितनी रस्सियों से बांध रखा है, कितनी ग्रंथियां हैं। कोई संशय नहीं अर्जुन, आप ठीक कहते हो, यह हठी है, दुराग्रही है।
किंतु अभ्यास के द्वारा, और अभ्यास की पूर्णता ही वैराग्य है। जब अभ्यास अपने परिपूर्ण स्थिति में है तब वो अनभ्यास है, जब अभ्यास अपनी परिपूर्ण स्थिति में है, जिस क्रिया को सीख कर, जिस क्रिया को सीख कर हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उसी को तो हम अभ्यास कहते हैं। अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दीर्घ काल तक का अभ्यास, सत्संग के साथ अभ्यास, सेवा के साथ अभ्यास, अभ्यास में सब आ गए, सेवा का अभ्यास, सत्संग की स्थिति, कल्याण का मार्ग क्या है? हमारे महापुरुष कहते हैं कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है उसी रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते रहो, यही कल्याण का मार्ग है। कल्याण का मार्ग यही है कि आत्म कल्याण के पथ से कभी अलग ना हो। कल्याण का मार्ग यही है कि अपने श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति करते रहे, निरंतर पुनरावृत्ति करते रहे, क्योंकि मन में भटकाव है, विचारों में अस्थिरता है, अंधेरा बड़ी सीमा में कायम है, किंतु रात कितनी भी काली हो, कितनी अंधेरी हो, अमावस की रात हो, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात हो, प्रातः सूर्य देव की किरणें, प्रातः सूर्य देव की किरणें रात्रि की कालिमा को क्षण मात्र में ही छिन्न भिन्न कर देती हैं, क्षण मात्र में ही। प्रकाश का कार्य यही है अंधेरे को दूर करना। अंधेरे का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं, अंधेरे का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरा है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रकाश का अभाव है। जिस प्रकार सूर्य देव की किरणें रात्रि की कालिमा को क्षण मात्र में छिन्न भिन्न कर देती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के ज्ञान के किरणें सेवा सत्संग और साधना की जो किरणें हैं, वो कैसा भी छिपा हो अंधेरा मन के किसी कोने में, मन के किसी कोने में कैसा भी अंधेरा छिपा हो, कैसी भी अज्ञानता हो, जो ज्ञान का प्रकाश है, जो स्वर वेद का प्रकाश है, जो सद्गुरु के ज्ञान ही नहीं परम ज्ञान का प्रकाश है, वह उसे क्षण मात्र में छिन्न भिन्न कर सकता है, कर देता है, किया है। ऐसा है यह तो विचारों को देखें, एक साधक के विचारों की स्थिति है, उसके विचारों का एक मंडल है, उससे नीचे नहीं आ सकता। उसके मन बुद्धि विचारों की एक स्थिति है तो है, एक मंडल है तो है, उससे निम्न भूमि में वो स्थित नहीं हो सकता।
उसने साधा है सेवा भाव के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा। मन की एक श्रेष्ठ स्थिति में वह स्थित है, उसे सत्संग प्रिय है, उसे सेवा भाव प्रिय है, वो साधक है। उसका संकल्प दृढ़ है, यह आत्म कल्याण का मार्ग है, यह आत्म कल्याण का मार्ग। चल तो रहे हैं, चलते जाएंगे। कई बार रुक जाते हैं, भिन्न भिन्न कारण हैं इसके। रुक गए हैं तो जहां हैं वहां हैं, रुके हैं तो जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं, पीछे नहीं लौट सकते। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। रुक गए हैं इसका अर्थ ये थोड़ी है कि पीछे लौट जाएंगे। रुक गए हैं तो खड़े हैं, बड़े हैं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हम सेवा का विस्तार करेंगे, हम अधिक से अधिक सत्संग करेंगे, हम साधना में स्थित होंगे, हम आत्म कल्याण के मार्ग से दूर नहीं हो सकते और तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। यही संकल्प होता है। जो संकल्प बना लिया तो बना लिया, यही अभ्यास है। श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति। महर्षि कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क बाधा उपस्थित करें, जब वितर्क बाधा उपस्थित करें, तब प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। तब प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए कि आदि अनादि काल से मैंने अनेकानेक सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है। ये सुख दुख की उहा पोह में अनेकों जीवन व्यतीत हो गया। मैं तू यह वह, मेरा तेरा तुम्हारा मेरा, ये करते करते तो अनंत अनंत जन्म और जीवन व्यतीत हो गया। मेरे जीवन का ये लक्ष्य तो नहीं। ये जीवन किस लिए मिला है? उसी परम सत्य के अन्वेषण के लिए मिला है, जो परम सत्य हम सब के भीतर सदैव स्थित है। वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, निरंतर है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे भीतर आनंद नहीं है, ज्ञान नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी हताशा, ऐसी निराशा, ऐसी कुंठा और ऐसे अवसाद का आध्यात्मिक ज्ञान में कोई स्थान नहीं है, आध्यात्मिक कोई स्थिति नहीं है। वह परम सत्य हम सबके भीतर स्थित है। जो है उसी का तो अनुभव करना है, उसी का अन्वेषण करना है। आदि अनादि काल से हम सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले जा रहे हैं। माता पिता, पत्नी, पुत्र, सगे संबंधी, बंधु बांधव, अपना पराया, ये दिन, ये रात, ये सुबह, ये शाम, सब घटित होता चला जा रहा है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ यहाँ हर क्षण, हर पल, प्रतिपल, पल पल बदलता जा रहा है।
सुबह होती है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कुछ कहते हैं ऐसा, उम्र यूं ही तमाम करने के लिए है क्या? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये उम्र यूं ही तमाम करने के लिए नहीं है, हर क्षण हर पल अनमोल है, हर एक श्वासा अनमोल है। यूं ही नहीं मिल गई ये जिंदगी, यूं ही नहीं मिल गई ये जिंदगी, यूं ही नहीं मिल गई ये जिंदगी, और यूं ही नहीं गंवा सकते। केवल शरीर संसार का ध्यान रखने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। हम शरीर कहें या संसार कहें, बात एक है। केवल शरीर संसार इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों में ही स्थित रहने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। हम खुद से दूर नहीं जा सकते, हम स्वयं को भुला नहीं सकते, हम संसार में भटक कर नहीं रह सकते, हम उलझ नहीं सकते। मैं तू यहवा में, मेरा तेरा में, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। विवेक पूर्वक हमें अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करना है, किंतु हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य हमें परम आनंद से भरने वाला है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, इसका अनुभव हो जाए, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके श्वासों का श्वास, हम सबके प्राणों का प्राण जो परम सत्य है, वही परमात्मा है, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो सदैव है, जो शाश्वत है, जो परम आनंदमय है। हम सबका जीवन भी आनंददायी बने, हम सबका जीवन भी आनंददायी बने। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें बहुत व्यथित करती हैं, पीपल का पत्ता तनिक हवा के संपर्क से ऐसे हिलने डुलने लगता है जैसे मानो तूफान आ गया हो। थोड़ा भी कुछ हुआ है बाहर परिवर्तन, तो जैसे हमारे भीतर भूकंप आ गया हो। इतना अस्थिर, इतना चंचल, इतनी चपलता, अभी थोड़ा सा हिला है तब बाहर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है, तो भीतर में जैसे मानो भूकंप आ गया हो। आत्म बल्कि यह स्थिति है क्या, हमारे श्रेष्ठ विचारों का यह स्तर है क्या? कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद न हो, हमें घेर न ले, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार परमात्मा आनंदमय है, परम शांतिमय है। शांति का ही समुद्र है। जितना हम स्वयं की तरफ बढ़ेंगे, हमारे जीवन का उतना ही विकास होगा। हमारा मन चूंकि बाहर अधिक है, बाह्य संपर्क में अत्यधिक है, और जो बाहर घट रहा है वही हमें परम सत्य लगता है कि बस यही है,
इससे भिन्न कुछ है नहीं। मूल में जो अविद्या है वही हमारे दुखों का कारण है, हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान है, हमारे दुखों का कारण हमारी अविद्या है, हमारे दुखों का कारण हमारा मिथ्या ज्ञान है। स्वरवेद में सद्गुरु देव कहते हैं दुख कारण अज्ञान है। दुखों का कारण क्या है? हमारा ज्ञान ही तो है। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशय हीन स ज्ञान। आचार्य श्री प्रथम ने इस दोहे का जो दिव्य भाष्य किया है वह अपने आप में अनूठा है। जो वस्तु जैसा रहे, बहुत बार हम जानते तो बहुत हैं, लेकिन हम जितना जानते हैं और समझते हैं उसमें संशय रहता है, वो सत्य नहीं होता या आंशिक रूप से रहता है। हम जानते समझते तो बहुत हैं, लेकिन हम जितना जानते हैं समझते हैं वह पूर्ण सत्य नहीं होता। हमारे ज्ञान में संशय होता है, क्योंकि मन की यही चपलता है, मन की यही अस्थिरता है। विचारों में इतना उआपो है, विचारों में इतनी अस्थिरता है। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, एक शब्द में सद्गुरुदेव ने कितनी दिव्य स्थिति का वर्णन किया। वस्तु का हम वास्तविक प्रत्यक्ष करें, जो है उसका अनुभव। तो जिस प्रकार से हम सेवा सत्संग और साधना में स्थित होते हैं, हमें दो चार होना पड़ता है अनेक स्थितियों परिस्थितियों से। अध्यात्म का मार्ग वीरों का है, पुरुषार्थियों का मार्ग है। सेवा सत्संग और साधना के पथ पर तो साधक साधिकाएं आगे ही बढ़ते जाते हैं, पुरुषार्थ में ही स्थित होते जाते हैं। श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते रहने से हम मन को एक संदेश दे पाते हैं। मन को संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से, संबंधों से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। जैसे छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। सारी गायों का दूध छलनी में दूह लिया और छलनी खाली की खाली। उसी प्रकार मन को संसार के विषयों में, भोगों में, पदार्थों में, संबंधों में जितना भी घुमा लिया, मन जैसे बिल्कुल खाली की खाली, बिल्कुल जैसे अतृप्त हो। मन को संसार के विषयों, भोगों, पदार्थों, संबंधों से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। जैसे पुआल की कटोरी में जल इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। मन हमारा बाह्य संपर्क में अत्यधिक है। वह आत्मा के अनुकूल बने, अंतः प्रेरणा जागृत हो, अंतः ऊर्जा जागृत हो, हम निर्णय कर पाए उचित और श्रेष्ठ निर्णय के साथ हम आगे बढ़ सकें,
अपने जीवन का विकास कर सके। यही अध्यात्म में अनिवार्य है और यह शक्ति हमें स्वर वेद से मिलती है। सदगुरु के प्रसाद रूप में यह जो स्वर वेद प्राप्त हुआ है हमें, जन जन तक इसका प्रसार हो, जन जन तक मन मन तक। स्वरवेद महाग्रंथ को ही समर्पित स्वरवेद महामंदिर धाम है, जो अध्यात्म की एक दिव्य प्रभा बिखेर रहा है चतुर्देश। आप सबों की सेवा भावना से यह जो स्वरवेद महामंदिर निर्माण की पूर्णता की ही तरफ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, वह सेवा भाव आपके लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन वो केवल आपके लिए ही है उपयोगी क्या, वह तो लाखों लाख जीवों के कल्याण में परम उपयोगी सिद्ध होती जा रही है। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण से सबको अध्यात्म का एक दिव्य संदेश मिलता जा रहा है। मैं प्रायः कहता ही रहा हूँ कि स्वरवेद महामंदिर के निर्माण के पूर्ण हो जाने से ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार, सद्गुरुदेव के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ जाएगा। जिज्ञासुओं की, पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है स्वरवेद महामंदिर धाम पर। हर महीने 1.25 लाख से 2 लाख तक हर महीने वहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जिज्ञासु पहुँच रहे हैं। अनेकों विहंगम योग की साधना से जुड़ रहे हैं, साधना का अभ्यास भी सीख रहे हैं। हर महीने 1.25 लाख से 2 लाख तक जिज्ञासु स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शन करने आ रहे हैं। यह सब संभव हुआ है आप सबों के परिश्रम से, आप सबों के पुरुषार्थ से, आप सबों की सेवा भावना से। वह सेवा आपके आत्म कल्याण में तो उपयोगी है ही, लेकिन वह केवल आपके लिए है उपयोगी ऐसा नहीं, अरे वह सेवा भावना तो लाखों लाख जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाली है और कर रही है। हम सबका संकल्प महान। इसीलिए श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते रहे। महापुरुषों ने ऐसा कहा है, जो हमारे लिए, देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए उपयोगी हो, जो सबके लिए बढ़िया हो, सबको सुख शांति के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला हो, जो दुखियों का दुख कम करने वाला हो, ऐसे मार्ग पर निरंतर चलते रहना, अपने अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते रहना, कल्याण का मार्ग यही है। हम सबका संकल्प महान। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे। यह शताब्दी वर्ष है प्यारे साधक साधिकाओं। पिछले वर्ष 17-18 दिसंबर को हमने 100वां वार्षिकोत्सव मनाया, बहुत ही धूमधाम से मनाया। आप सबों की सेवा भावना से यह जो 100वां वार्षिकोत्सव रहा, शताब्दी समारंभ महोत्सव, जब 100वें वर्ष में प्रवेश हुआ, अभी चल रहा है, 100वां वर्ष गतिमान है। 100वें वार्षिकोत्सव को आप सबों ने अपनी सेवा भावना से, अपनी संकल्प शक्ति से 25,000
25,000 कुंडीय महायज्ञ से इस समय वार्षिक उत्सव को आप सबों ने अपनी सेवा भावना से भव्य से भव्य और केवल भव्य से भव्य ही नहीं, आप सबों ने इसे दिव्य से दिव्य बना दिया, दिव्य से दिव्य बनाया है। इस महायज्ञ को स्वर्वेद महामंदिर निर्माण के प्रथम चरण को पूरा कर लिया गया है, अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। वो सारे विचार हैं मेरे अंदर, बहुत कुछ किया जाना शेष है, बहुत कुछ किया गया है। आप सबों की सेवा भावना से असंभव कार्य को जैसे आप सबों ने संभव बना दिया हो 25,000 कुंडीय महायज्ञ से, स्वर्वेद महामंदिर के इस निर्माण से, इस वर्ष जब 100वां वर्ष पूर्ण हो जाएगा और 101वां वार्षिकोत्सव होगा 6-7 दिसंबर को, शताब्दी समारोह महोत्सव होगा, जब सौवां वर्ष पूर्ण हो जाएगा। अभी शताब्दी वर्ष गतिमान है, शताब्दी वर्ष गतिमान है तो इस वर्ष में हर्ष भी अधिक है, उल्लास भी अधिक दिख रहा है। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा आगामी 101वें वार्षिकोत्सव के लिए शताब्दी समारोह महोत्सव के लिए राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा देश के दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी से, जहां संगम है सागरों का, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तीनों का जो संगम बिंदु है, ऐसे दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी से तमिल भाई बहनों जिज्ञासुओं की पावन उपस्थिति में नए जिज्ञासु अधिक थे, सर्वाधिक नए जिज्ञासु तमिल जिज्ञासुओं की उपस्थिति में कन्याकुमारी से 7 जुलाई से पूरे देश में जाने वाली इस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा का शंखनाद हो चुका है, शंखनाद हो चुका है। सबके अंदर एक प्रेम है, उत्साह है, उत्साह है, एक उमंग है। दक्षिण भारत के सभी राज्यों में यह यात्रा गतिमान रही, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक के बेंगलोर में, दावणगेरे में, गुलबर्गा में, मैसूर में, कर्नाटक में विशेष रूप से है यात्रा गतिमान रही। अनेक नए जिज्ञासुओं में भी एक उत्साह दिख रहा है। आगामी शताब्दी समारोह महोत्सव के लिए दक्षिण की यात्रा पूर्ण करने के पश्चात यह यात्रा मध्य भारत, मध्यस्थल नागपुर में, महाराष्ट्र में 17 और 18 को गतिमान रही। तो दक्षिण से मध्य तक यह यात्रा आ चुकी है, 18 के बाद आज 20 से, 19 को आगमन के बाद 20 से आज यहाँ गुरु पूर्णिमा का पावन पुण्य तिथि का यह दिव्य कार्यक्रम है, और इसके पश्चात पुनः मध्य भारत से, मध्य से उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ इस यात्रा का प्रस्थान हो जाएगा। इस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा को हमें आगे बढ़ाना है,
अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी श्रद्धा सेवा समर्पण भाव से, हजारों हजार भाई बहन संकल्प से जुड़ चुके हैं, उनके अंदर उत्सव है, उत्साह है, उमंग है, सेवा भाव है, सेवा भाव सदैव नमन करने योग्य है। शिष्य बड़े हैं, सेवा बड़ी वस्तु है, विश्व की सबसे बड़ी वस्तु का नाम सेवा है। तो सभी बिल्कुल तत्पर हैं, जागरूक हैं। अगले शताब्दी समारोह महोत्सव के लिए तैयार है ना आप सभी? देखिए सभी हाथ उठाकर बता रहे हैं, सभी एक दूसरे के लिए तालियों के गड़गड़ाहट करें। हम सब मिलकर इस गुरु कार्य को, इस ईश्वरीय कार्य को, इस जन कल्याणकारी कार्य को, इस दिव्य कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे, यही हमारा संकल्प है। हम प्रचार में, सेवा में, सत्संग में, साधना में कहाँ पीछे रहने वाले हैं। हम स्वयं सेवा में आगे रहेंगे और अन्यों को भी, नए जिज्ञासुओं को भी। हम सेवा के धर्म से परिचित कराएंगे, सेवा का पाठ पढ़ाएंगे, सेवा का अध्याय खोलेंगे। स्वयं सेवा कर देना अच्छी बात है, करनी ही चाहिए, और हम करेंगे भी, करते ही हैं। अन्यों को, नए जिज्ञासुओं को, जहाँ प्रचार कम है, नहीं है, वहाँ जाकर इस महायज्ञ का संदेश सुनाकर अपने इष्ट मित्रों में, परिचितों में, सगे संबंधियों में, बंधु बांधवों में अधिक से अधिक संख्या में सब पहुंचे। वहां 6-7 दिसंबर को शताब्दी समारोह महोत्सव में पिछले बार 2-2.5 लाख की संख्या थी, इस बार उससे भी अधिक संख्या में, उससे भी बड़े क्षेत्र में हमें यह महायज्ञ करना है, यही हमारा संकल्प है। और आप सब बिल्कुल तैयार हैं, अपने इष्ट मित्रों, परिचितों, सगे संबंधियों, बंधु बांधवों से भी इस महायज्ञ को आगे बढ़ाने की सबके भीतर सत्प्रेरणा होनी चाहिए, उनकी भी आहुति पड़े इस महायज्ञ में। यह दुर्लभ अवसर है, यह ऐतिहासिक अवसर है, सबके कल्याण के लिए ही है। तो हमें अपने कर्तव्य और दायित्व के बोध से सदैव जागृत रहना है। हम स्वयं जगे हैं और दूसरे को भी जगाते चलेंगे। एक जलता हुआ दिया कई दियों को जला सकता है, बुझा हुआ कुछ नहीं कर सकता। एक जलता हुआ दीपक अनेक बुझे हुए दियों को जला सकता है, प्रकाशित कर सकता है। एक जो शिष्य है, जो साधक साधिकाएं हैं, वे एक हैं क्या? उनके भीतर इतनी शक्ति है कि अनेकों को सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं, स्वर्वेद महामंदिर के संकल्प से जोड़ सकते हैं, इस महायज्ञ के संकल्प को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सबों की सेवा भावना से अनेकों कार्य हुए हैं, हो रहे हैं। स्वर्वेद महामंदिर प्रत्यक्ष उसका दिव्य स्वरूप है, जो गुलाबी लाल पत्थरों से सज चुका है। अनेकों तो बाहर की सुंदरता देख के ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा है, अच्छी नक्काशी है, ऐसा कहीं और नहीं देखा। जिज्ञासु देश भर से, विदेशों से पहुंच रहे हैं,
जो नक्काशी की गई है पत्थरों पर, एक एक पत्थर को सजाया गया है, एक एक पत्थर को संवारा गया है, अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर कैसे बनाया जाए। सदगुरु के इस दिव्य केंद्र को, ब्रह्म विद्या के इस दिव्य ज्ञान को, स्वर वेद की किरणें हमारे देश की आध्यात्मिक विद्या विहंगम योग का प्रकाश जन जन तक पहुंचे, इसीलिए तो ये स्वर वेद महामंदिर धाम है। मैं कहता हूं ये केवल बाहर से ही खूबसूरत नहीं है, ये बाहर से ही मात्र सुंदर नहीं है, ये भव्य तो है, किंतु केवल भव्य ही नहीं, ये अंदर से दिव्य है, ये परम आनंद का पथ है, ये प्रकाश का पथ है। हमारी अंतः ऊर्जा जागरण हो, हमारी अंतः ऊर्जा का जागरण हो, इसलिए यह महामंदिर है। केवल बाहर की खूबसूरती देखने के लिए नहीं है, ये बाहर से भीतर की यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा है। जिस प्रकार से स्वरवेद महामंदिर के निर्माण कार्य को आप सबों ने आगे बढ़ाया है, उसी प्रकार से सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति का यह जो दिव्य संकल्प है, वह हमें गतिमान करना है, और गतिमान होता जा रहा है यह संकल्प। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम सबका संकल्प महान। यह जो महायज्ञ आने वाला है, बहुत समय कम है, 6-7 दिसंबर है, इस बार हमें 25,000 कुंडों से भी आगे बढ़ना है, आगे चलना है, यही हमारा संकल्प होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। कार्यक्रम की तैयारियां प्रारंभ हो गई, अभी से प्रारंभ कर दी गई है। समारोह अच्छे से अच्छा हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी व्यवस्था में हम पीछे ना रहें, इसके लिए अभी से मेरे निर्देश पर तैयारियों का भी प्रारंभ कर दिया गया है। हम सबका संकल्प महान, सभी साधक साधिकाएं सबके लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें एक दूसरे के उत्साहवर्धन में। अब हम चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में। ये दिव्य है स्वरवेद की वाणी, दिव्य वाणी है, अमृत है, अनंत है, अमोघ है, ये साक्षात कर धर्मा ऋषि की वाणी है। तो जितना अधिक स्वरवेद होगा, जितना अधिक सत्संग होगा, उतना ही हमारा अंधेरा दूर होगा, हमारे अज्ञान का समन होगा। जितना अधिक सत्संग होगा, जितना अधिक स्वरवेद होगा, हमारे जीवन का उतना ही अधिक आध्यात्मिक विकास होगा। सत्संग न होने से या कम होने से केवल शरीर, संसार, ये घर, ये मकान, ये दुकान, इसी का चिंतन चलता रहता है, संसार का ही चिंतन चलता रहता है। इसका चिंतन करना है संसार का, जितना आवश्यक हो बस उतना ही चिंतन करना है, डूब नहीं जाना है। अब सत्संग नहीं है तो अब केवल शरीर, संसार, ये भोग, ये पदार्थ, ये संबंध, केवल बाह्य संपर्क अत्यधिक है, और मोबाइल की इतनी भूमिका बढ़ती जा रही है कि ये जैसे मनुष्य के मन की चंचलता को और अधिक चंचल बनाता जा रहा हो। मन तो चंचल है, ये मोबाइल अति चंचल, चंचल से भी अति चंचल जैसे बना रहा हो। जैसे हम मोबाइल ना चला रहे हो, मोबाइल ही हमको चलाने लगा हो,
मोबाइल ही हमको चलाने लगा हो या स्थिति ठीक नहीं है। यंत्रों का उचित उपयोग जितना आवश्यक हो बस उतना ही करना है। अब सत्संग न होने से स्वरवेद न होने से केवल यही सब बातें होती रहती हैं घर परिवार संसार समाज की। आत्मकल्याण का तो कोई चिंतन होता नहीं। सत्संग न होने से बस उसी का चिंतन चलता रहता है। सूचनाओं का संग्रह होता रहता है अत्यधिक मात्रा में और बहुत बार अनावश्यक रूप से। जितना चिंतन करना है जो घर परिवार के लिए जितना जरूरी हो बस उतना ही चिंतन करना है, उससे अधिक नहीं। आत्म कल्याण के चिंतन से हम अलग न हो, हम स्वयं से दूर न हो, हम खुद को न भुला दें, हम खुद को न भुला दें, हम संसार में उलझ कर न रह जाएं, हम संसार में भटक कर न रह जाएं, हम खुद से दूर न हो, हम स्वयं से दूर ना हो जाएं, हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हम अटक न जाएं, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। इसीलिए हम सबके सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमारे कल्याण के लिए ही इस विश्व की मानवता के कल्याण के लिए सद्गुरुदेव ने स्वर वेद का प्रसाद दे दिया है, हमें प्रसाद दे दिया है। महापुरुष ऐसे ही कृपा करते हैं, वो कृपा के सागर होते हैं। वे हमारे दुखों को दूर करना चाहते हैं, वे हमें अपने घर पहुंचाना चाहते हैं, वे मृत्यु लोक से उपरम करना चाहते हैं, वे हमारा कल्याण करना चाहते हैं, वे हमारे दुखों का अंत करना चाहते हैं, हमें आनंद से भरना चाहते हैं, मृत्यु लोक से मुक्त करना चाहते हैं, आवागमन से अलग करना चाहते हैं। ये मुर्दों का शहर है। महापुरुष कहते हैं ये संसार क्या है, ये संसार का कि मृत्यु है, बस ये मृत्यु लोक है, ये मुर्दों का शहर है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण हर पल प्रतिपल पल पल बदलता जा रहा है। ये संसार हमारा निज घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो कहीं और है, जो दिव्य है, जो परम आनंद परम शांति से भरा है। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है। ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है। खुद से दूर नहीं हो सकते, खुद को भुला नहीं सकते, संसार की उलझनों में उलझकर नष्ट नहीं हो सकते। संसार में रहना है, घर में है हम, परिवार में हम, फंस जाना नहीं, डूब जाना नहीं। गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा में डूब कर प्राणों को ही गंवा देना बिल्कुल अच्छा नहीं। श्रेष्ठ चिंतन के साथ एक अध्यात्म के पथिक का जीवन आगे बढ़ता है। स्वरवेद हमारी अंतः ऊर्जा के जागरण का केंद्र है। अनेकानेक साधक इन वाणियों को गुनगुनाते हैं, स्वरवेद के स्वरों से अपने जीवन को विकसित करते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में वो गाते रहते हैं, वो गुनगुनाते रहते हैं, और केवल इसलिए नहीं गाते कि गाना है दूसरे को सुनाना है,
देखो इतना याद है, सुना सकता हूँ, ऐसा प्रदर्शन का कोई अहंकारपूर्ण भाव है क्या? इतना याद है, गाना चाहिए इसलिए वो नहीं गान कर रहे इसका कि गाना चाहिए केवल, मात्र ये भाव नहीं। सदगुरु के स्वर वेद ने उन्हें छुआ है, उनका स्पर्श किया है, उन्हें झकझोरा है। सदगुरु के स्वर वेद ने उनकी अंतः ऊर्जा को जागृत किया है, इसलिए वो गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। सदगुरु के स्वर वेद ने उनका स्पर्श किया है, उनके अंधेरे का समन किया है। केवल गाना है इसलिए थोड़ी गा रहे हैं, अनेकानेक साधक ऐसे हैं जो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में हैं, बहुत चल रहे हैं उस पथ पर, आगे बढ़ रहे हैं, सिद्धांत के साथ आगे बढ़े। आचार्य श्री प्रथम, जिनकी हम पावन पुण्यतिथि मना रहे हैं, उन्होंने ही सिद्धांत को स्पष्ट धरातल प्रदान किया है। उसी महान सत्ता की कृपा से विहंगम योग है क्या, इसको सिद्धांत और साधना में अभिव्यक्त किया है स्वरवेद भाष्य के रूप में, अपने अनेकानेक दिव्य ग्रंथों के रूप में, अपनी सशक्त लेखनी से उन्होंने जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया है वह अद्भुत है। शब्दों में उसकी महिमा नहीं गाई जा सकती, कोई गा नहीं सकता। जितना आचार्य श्री प्रथम ने विहंगम योग के सिद्धांत और साधना को स्पष्ट करने में अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग प्रयोग किया है, ऐसा ये सिद्धांत है। सद्गुरुदेव की जो साधना से उत्पन्न है, सद्गुरुदेव ने तो अपने अनुभवों को अभिव्यक्त कर दिया, लेकिन वह अभिव्यक्ति सबके लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकती है? सदगुरु के अनुभवों को, विहंगम योग के ज्ञान को, स्वरवेद के प्रकाश को आचार्य श्री प्रथम ने अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से प्रकट कर दिया है, सिद्धांत और साधना को स्पष्ट कर दिया है। उस महान सत्ता के चरणों में हम सब नतमस्तक हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके दिए ज्ञान को, आपके स्वरवेद भाष्य को, विहंगम योग के सिद्धांत को, स्वरवेद के ज्ञान को हम जन जन तक लेकर जाएंगे, मन मन तक लेकर जाएंगे, विहंगम योग के प्रकाश को फैलाएंगे। यही प्रेरणा आज हमें प्राप्त हो रही है, विशेष रूप से प्राप्त हो रही है। प्रेरणा तो है लेकिन बहुत बार अस्थिरता भी हो जाती है अन्य कारणों से, इतना जटिल है संसार। हमारी प्रेरणा सदैव जागृत रहे, हम स्वरवेद के प्रकाश में आगे गति करते चलें, गुनगुनाते रहें, सबके भीतर अध्यात्मिक ज्ञान का उजास हो, ये उजाला फैले। यही आज हम प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर वह शक्ति हो, वह बल हो, कि गुरु कार्य को, सद्गुरु कार्य को, सिद्धांत के प्रचार कार्य को हम तीव्रता के साथ आगे बढ़ा सके, आगे लेकर जा सके। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद के दिव्य स्वरों का सब श्रवण करें, फिर हम आज विराम लेंगे। एक बार पुनः सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। जय स्वरवेद कथा।
जल गंगा भक्ति की बहुरंतर माई प्रेम घाट मजन करे त्रिविध ताप नशी जा जयस्वर वेद कथा जयस्वर वेद कथा जयस्वर वेद कथा जयस्वर वेद कथा स्वर वेद का स्वर अनंत है, अध्यात्म के अनुभवों से यह भरा है, जन जन तक इसका प्रचार प्रसार हो यह बहुत बड़ी सेवा है। विहंगम योग के सिद्धांत को जन जन तक लेकर जाना, स्वर वेद महामंदिर के संकल्प को, पावन मूर्ति निर्माण के संकल्प को
निरंतर गतिमान रखना, आगे बढ़ाते जाना, यही तो शिष्य धर्म है हम सबका, यही तो शिष्यत्व है, यही तो श्रद्धा का विस्तार है। क्योंकि यह सत्य पर विश्वास है, सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। हमने नहीं देखा है उस मार्ग को, हमने अभी परम सत्य का अन्वेषण नहीं किया, जो है हमारे भीतर उसका प्रत्यक्ष नहीं किया। हम चल रहे हैं उस पथ पर, हम आगे बढ़ रहे हैं उस पथ पर, हमने नहीं किया अन्वेषण तो क्या, हम चल तो रहे हैं। और जिस महान सत्ता ने उस परम सत्य को अनुभव किया, जो है उसको जाना, उसका अन्वेषण किया, साधना की अतल गहराई में सद्गुरुदेव स्थित हैं। वृत्तिकूट आश्रम पर 6-6 महीने की समाधि है सद्गुरुदेव की। चेतना के एक दिव्य शिखर पर हैं सद्गुरु, वो हमारे कल्याण के लिए ही साधना में रत हैं। 6-6 महीने की अखंड समाधि है। बहुत बार सेवक दे आता है सद्गुरु के लिए कुछ अल्पाहार, बार बार उसे वापस लाना पड़ता है। सद्गुरु तो समाधि के शिखर पर हैं, चेतना के दिव्य शिखर पर हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6-6 महीने की समाधि में है। चेतना के एक दिव्य शिखर पर हैं। हमें एक दिन क्या कहे, एक समय भोजन ना मिले तो हम जैसे कितने व्यग्र हो जाते हैं। सद्गुरुदेव 6-6 महीने बिना खाए, बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए वृत्तिकूट की गुफा में समाधि में स्थित हैं। बहुतों को यह विचार आ सकता है कि 6 महीना कोई कैसे बिना खाए पिए रह सकता है अन्न जल के बिना। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग दर्शन में, 6 भारतीय दर्शन हैं, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत। ऋषि प्रणीत है, ऋषि वैज्ञानिक होते हैं, वो चेतन अनुसंधान करता होते हैं, वे केवल प्रकृति का अन्वेषण नहीं करते। यह जो भौतिक विज्ञान है उसका विषय केवल प्रकृति है, जड़ पदार्थों का अन्वेषण है। जो चेतन वैज्ञानिक होते हैं तो चेतना का ही अन्वेषण कर लेते हैं, चेतना का विकास करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कंठ कूपे छुत पिपासा निवृत्ति ही, योग सूत्र है ये महर्षि पतंजलि का। कंठकूप में संयम करने से, कंठकूप में संयम करने से योगी दीर्घ काल तक, लंबे समय तक भूख और प्यास को नियंत्रित कर सकता है और उसके शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। एक समय अवधि तक वो नियंत्रित कर सकता है भूख प्यास को। योगी को 6 महीना स्थित है साधना में, उन्हें जलपान भोजन, रात्रि भोजन, लंच डिनर करना है क्या? 6 महीने रहना है समाधि में, बिल्कुल स्थिर शांत एकाग्र चेतना के एक दिव्य शिखर पर।
तो जो योगी होते हैं वो कंठकूप में संयम कर दीर्घ काल तक भूख और प्यास को नियंत्रित कर लेते हैं। हमारे अमर सद्गुरुदेव ने जो योग दर्शन की वाणी है, जो सूत्र है, अपनी साधना से बिल्कुल उसे प्रकट कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। यूं ही ये ज्ञान प्रकट नहीं होता, स्वरवेद का ज्ञान यूं ही नहीं प्रकट हो गया है पुस्तकों के पन्ने को पलटने से, ये साधना की गहराई से निकला है। ये उत्पन्न है चेतना के दिव्य शिखर से, ये ज्ञान की एक उच्च स्थिति में प्रकट है, यूं ही नहीं प्रकट हो गया। भिन्न भिन्न पुस्तकों के पठन पाठन से इस ज्ञान को प्रकट नहीं किया जा सकता। ये ज्ञान है भौतिक, इसका आधार है मन बुद्धि इंद्रियां, उसकी भी आवश्यकता है। लेकिन यह जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है वह तो अध्यात्म के अनुभव से प्रकट है, सदगुरु की साधना से प्रकट है। साहब कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। प्रत्यक्ष है जहां ज्ञान साधना के एक दिव्य स्वरूप से प्रकट है। जहां साधना की गहराई है वहीं अध्यात्म की ऊंचाई है, और इसी साधनात्मक अनुभवों की अभिव्यक्ति है यह स्वर वेद। यूं ही नहीं प्रकट हो गया। तो हम सबका विशेष भाग्य है, पुरुषार्थ है, सदगुरु कृपा का आधार है कि हम इस सत्य मार्ग पर, ईश्वर वेद के मार्ग पर गति करते जा रहे हैं। इस पर जो विश्वास है, सत्य पर विश्वास, श्रद्धा है। हमने नहीं देखा है उस मार्ग को, हमें अभी उस परम सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, अन्वेषण नहीं किया, जो हमारे भीतर है उसका प्रत्यक्ष नहीं किया तो क्या हुआ। जिसने किया है उस परम ज्ञान का अन्वेषण, जिसने उस परम सत्य को प्राप्त किया है, उस महान सत्ता के बताए सत्य मार्ग पर हम चल पड़े तो चल पड़े, यही श्रद्धा है, यही भक्ति है। हम चल तो रहे हैं उस सत्ता के मार्गदर्शन में, यही श्रद्धा भाव है। सत्य पर विश्वास किया है, सदगुरु के अनुभव पर विश्वास किया है, सदगुरु के स्वर वेद पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, साधना पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, सेवा सत्संग और साधना पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। अब पीछे नहीं लौट सकते, अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे, आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़ते चलेंगे, यही संकल्प है हम सबका। आज प्रथम दिन के लिए मैं इतना पर्याप्त समझता हूँ, विराम लेना चाहता हूँ। इतनी गर्मी में भी आपकी, आपके अंदर जो श्रद्धा है, जो भक्ति भाव है, जो प्रेम है, जो सेवा भाव है, वो अपने आप में अनूठा है। आप सबों की भक्ति भावना, आपका प्रेम, आपका सत्य विश्वास, आपकी श्रद्धा भक्ति और बढ़ती रहे, आपका प्रेम बढ़ता रहे, आपकी भक्ति भावना और बढ़ती रहे, आपका सत्य विश्वास और दृढ़ होता चले, आपकी सेवा भावना का विस्तार होता रहे, सत्संग में अधिक रुचि बढ़ती रहे, स्वर वेद के प्रति और ललक बढ़ती रहे, आपकी साधना में और प्रगति होती रहे,
प्रकाश का ही पथ गतिमान रहे। आपका भक्ति भाव, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी सेवा का और विस्तार होता रहे, यही कामना करता हूँ। आज प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव भगवान की पावन पुण्य तिथि के अवसर पर स्वरवेद के प्रकाश को हम जन जन तक लेकर जाएं, स्वरवेद महामंदिर के निर्माण में और अधिक मूर्ति निर्माण में हमारी सेवा भावना का और विस्तार होता रहे। और यह जो शताब्दी समारोह महोत्सव है, इसमें हमारी सेवा का और विकास विस्तार होता रहे। प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए, उनसे बल की मांग करते हुए, हे प्रभु हमें ऐसा बल मिले, ऐसी शक्ति मिले कि हम गुरु कार्य को, सद्गुरु कार्य को, ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ा सकें। आप सबों की मंगलमय जीवन की मैं मंगलमय कामना करता हूँ। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका सत्य विश्वास और बढ़ता रहे, यही मंगल कामना है। एक बार सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। मातृशक्ति के सम्मान में सब तालियों की गड़गड़ाहट करें। जो मातृशक्ति प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका में है, इनके सम्मान में पुनः हम तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। आप सबके कल्याण की कामना करते हुए, सबका सब विधि हो कल्याण, इन्हीं मंगल वचनों आशीर्वचनों के साथ आज प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव की पावन पुण्यतिथि पर आप सबों के कल्याण की कामना करते हुए, सद्गुरु चरणों में नतमस्तक होते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की ही कामना करता हूँ, वंदना करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।